वहीं कांग्रेस से 40 साल का नाता तोड़कर महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोमवार को बीजेपी कार्यालय में उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान मालवीय ने कहा कि मैं छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वापस अपने घर आया हूँ। इससे पूर्व मालवीय ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच एक दिन पहले दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद मालवीय ने कहा कि मैं बीजेपी शामिल होने का एकमात्र कारण वागड़ क्षेत्र का विकास है। विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस यही कहते हैं, कहते हर राज्य में हारती जा रही है और हर राज्य में लोग मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को हृदय पूर्वक उनको पार्टी में ज्वाइन भी करा रहे हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन सब जो ज्वाइन करो सबका एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास और देश का विकास। देश कैसे गौरवशाली और बने, देश कैसे समृद्धशाली बने, यह सभी को मालूम है कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है, इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस का आदिवासी चेहरा और जिस प्रकार त्रस्त होकर आए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस देश के आदिवासियों के जीवन स्तर को जिस प्रकार अपनी योजनाओं से बदला है, उससे प्रभावित होकर आज कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। पुराना उनका सुकात रहा है, विद्यार्थी जीवन में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी परिषद में रहे हैं। अब आगे आगे देखो होता है क्या, राजस्थान में कांग्रेस की हालत वैसी होगी, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कांग्रेस के अंदर आज एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस के पेड़ की बड़ी टहनी टूटी है। आप देखेंगे पतझड़ का मौसम आ रहा है, कांग्रेस से इतने लोग निकल कर आएंगे क्योंकि पूरे देश के अंदर कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है।